दोस्तों आप सब तो SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनी के नाम सुने होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप हमारे देश के SpaceX जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनी के बारे में जानते हो, जो इसी साल दिसंबर के महीने में अपना पहला 3-स्टेज रॉकेट लॉन्च करने वाला है। और आप कई सारी न्यूज चैनलों में सुन चुके होंगे कि टेस्ला कंपनी इंडिया में आ चुका है और अपना संचालन धीरे धीरे शुरू कर रहा है, जिसके बारे में हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने पहले ही ट्वीट करके बताया था। लेकिन क्या टेस्ला इंडिया में आने से हमारे देश की स्वदेशी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा के ईवी सेगमेंट टेस्ला के ईवी सेगमेंट के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे? इस टॉपिक के बारे में बात करना तो बनता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नेक्स्ट फ्यूचर बनता हुआ दिख रहा है, जिसे अब सभी भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी अपना ईवी सेगमेंट में खास ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं दो टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दो सेक्टर यानी स्पेस इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी देश को सुपर पावर बनाने का ताकत रखते हैं। ये वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाते रहें। दोस्तों जमाना था जब बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका और रशिया अंतरिक्ष में पहले पहुंचने के रेस में लगे हुए थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब तो पूरी दुनिया में प्राइवेट स्पेस कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जैसे संचार, लोकेशन, मैप्स और वेदर रिपोर्ट्स और क्लाइमेट चेंज, ये सभी हम सैटेलाइट के माध्यम से ही जान सकते हैं। आप सोचिए, सिर्फ 1 kg वाले पेलोड के सैटेलाइट को आसमान में पहुंचाने के लिए हमारे इंडियन रुपीज में देखें तो 40 से 45 लाख तक लगता है, जिससे स्पेस एक बहुत ही ज्यादा मुनाफा का जरिया बन जाता है। अंतरिक्ष उद्योग पूरे विश्व भर में सबसे आकर्षक उद्योग रूप में उभर रहा है। इस अंतरिक्ष उद्योग यानी स्पेस इंडस्ट्री का मार्केट साइज के बारे में बात किया जाए तो रिसर्च एंड मार्केट्स के एक आर्टिकल के अनुसार 2018 में इस मार्केट का वैल्यू था $360 बिलियन और 2026 तक अनुमान है कि 5.6% की वृद्धि के साथ ये मार्केट $558 बिलियन तक पहुँचने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे अलग अलग देश के निजी कंपनी इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, जैसे अमेरिका की SpaceX, ब्लू ओरिजिन और चाइना भी इसमें पीछे नहीं है, चाइना का iSpace और लिंक स्पेस। दोस्तों ये सभी कंपनी कम से कम लागत में बड़े बड़े लॉन्च मिशन को अंजाम दे रहे हैं। SpaceX तो अब तक इंसानों को भी अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। भारत में भी अब स्पेस सेक्टर में अलग अलग प्राइवेट स्टार्टअप आगे आ रही है, उनमें सबसे बड़ा नाम है SkyRoot। SkyRoot एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसके को फाउंडर है पवन कुमार चंदाना और नागा भरत ढाका। ये भारत का पहला स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी है, जो के रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है, जिसका नाम डॉक्टर सीवी रमन के नाम पे रमन इंजन रखा गया है। SkyRoot अब तक 3 रॉकेट बना चुका है, जिसका नाम विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 है, और ये सभी रॉकेट का नाम हमारे देश के महान साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। SkyRoot 2021 दिसंबर को अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च करेगा। अगर हम इसे हमारे देश के सबसे बड़े सरकारी स्पेस एजेंसी इसरो के साथ तुलना करें तो इसरो को इस तरीके के 3-स्टेज रॉकेट इंजन बनाने के लिए 20 से 30 साल का समय लगा था। ये कंपनी कुछ ही सालों के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच चुका है, और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है इस कंपनी SkyRoot के सभी एम्प्लॉय फॉर्मर इसरो एम्प्लॉय हैं, जो कि प्रोपल्शन, डिजाइन और सभी क्षेत्रों में नजर रखते हैं। और ये कंपनी इस स्पीड से बढ़ता रहा तो भविष्य में ब्लू ओरिजिन और SpaceX जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर सकता है। अगर हम कंपटीशन का बात कर रहे हैं तो हमारा दूसरा टॉपिक टेस्ला इंडिया में आने से हमारे देश के कंपनी क्या टेस्ला के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे, और जिसे भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा के ईवी सेगमेंट को टेस्ला के इंडिया में आने से कुछ खासा प्रभाव पड़ेगा, ये सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज के समय में पॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक समस्या का विषय बन चुका है, और तो और धीरे धीरे कॉन्वेंशनल एनर्जी जैसे पेट्रोल डीजल के डिपॉजिट्स हमारी पृथ्वी में खत्म होती जा रही है, जिसके चलते ये कॉन्वेंशनल फ्यूल की लागत दिन पे दिन आसमान छू रहा है। इस सब से एक विकल्प निकल कर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अगले दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य है। अब तो पूरी दुनिया में ईवी एक ट्रेंड बनता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में सबसे अग्रणी कंपनी है टेस्ला। 2020 जब कोरोना के चलते सभी बिजनेस खासा नुकसान झेल रहे थे, इसी साल टेस्ला ने 358,000 यूनिट कार पूरी दुनिया में बेचकर एक नया इतिहास बनाया है, और अब ये कंपनी भारत में प्रवेश कर चुका है। अब तक जब ये वीडियो बन रहा है, टेस्ला इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुका होगा। दोस्तों हमारे देश भारत में भी कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और भी बहुत सारे, जो कि ईवी इंडस्ट्री में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब टेस्ला का भारत में एंट्री लेना हमारे भारतीय कार निर्माता कंपनियों को कॉम्पिटिशन देने वाला है, जिसमें प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि टेस्ला के व्हीकल इंडिया में चलेंगे या नहीं। जब तक टेस्ला इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाता है, तब तक टेस्ला का प्राइस हमारे भारतीय कंपनियों के कारों से
दो गुना ज्यादा महंगा होंगे, तो इससे कोई भी इंडियन कंपनियों के लिए खतरा नहीं है। टेस्ला के जितने भी कारें होंगे वो सब इम्पोर्टेड होंगे, जिसमें कस्टम ड्यूटी की वजह से इन कारों की प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां टाटा नेक्सन ईवी जैसी कार 15 लाख तक मिल जाती है, वहीं टेस्ला की प्राइस करीब 35 लाख तक होने वाला है, जिससे टेस्ला की टक्कर इंडिया में हाई एंड लग्जरी कारों से होने वाला है। वहीं टेस्ला के कार बहुत ही सिंपल होते हैं। अब तो टाटा मोटर्स ई विजन जैसी फ्यूचरिस्टिक कार मार्केट में उतारने वाली है, जो कि लुक्स स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल टेस्ला इंडिया में तो खासा प्रभाव डाल नहीं पाएगा, लेकिन टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बार इंडिया में सेट होते ही इनके कारों के प्राइस बहुत ही कम होने लगेंगे। जैसे कि टेस्ला के मॉडल 3 की प्राइस 35 लाख से गिरकर 18 लाख तक हो जाएगा। दोस्तों तब तक तो भारतीय कंपनी भी ईवी टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हो चुके होंगे दोस्तों, जिसके चलते हमारे सरकारों को बड़े बड़े लिथियम के डिपॉजिट्स हमारे देश में लाने होंगे, ताकि लिथियम आयन बैटरी बन सके। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करता है जानना चाहते हो तो आप हमारे ये वीडियो को देख सकते हो, और लिथियम के माइनिंग के बारे में हम अलग किसी वीडियो में जानेंगे।